हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद हेल्प में। देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत ही जरूरी सूचना मैं ट्यूबवेल ऑपरेटर अभ्यर्थियों के लिए डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि जिनका खंड आवंटन है उनके लिए भी जरूर आवंटन हो चुका है, उनके लिए भी जरूरी है, और जिनका खंड आवंटन बाकी है उनके लिए भी जरूरी है। उसके वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं सभी अभ्यर्थियों की तरफ से, जितने लोग हमारे तरफ से जुड़े हैं, हमारी टीम मतलब ग्रुप से जुड़े हैं, और हमारी पूरी टीम की तरफ से सिंचाई विभाग को सहृदय धन्यवाद इतनी बेहतर पारदर्शिता के लिए। अभी मैं डिस्कस करूंगा कि वो सारी चीज़ क्या है जो इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से बेहतर तरीके से की जा रही है। साथ ही साथ पूरी जानकारी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्या जरूरी सूचना है आपके लिए। उसके पहले फ्रेंड्स, हम विजिट करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट उत्तर प्रदेश सरकार के इरिगेशन डिपार्टमेंट को। दोस्तों, कई सारे लोगों के मन में सवाल था कि क्या पूरी 73 सीटेड फील करके हमको लेके जानी होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे, और क्या कितनी जगह पे जितने भी खंड हैं, 73 खंड है, उसमें कहाँ पे कितनी जगह सीट मिली, किसको कौन सा खंड मिला है। ये सारी जानकारी, मतलब सब कुछ पूरी डिटेल्स इरिगेशन डिपार्टमेंट ने अपलोड कर दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 तारीख में दोनों चीज़ अपलोड की है। हालांकि मैंने इसको पूरा PDF को डाउनलोड किया है और सारी डिटेल वहाँ पर चल के उसको डिस्कस करते हैं। ओपन करते हैं PDF को। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ है कि किस अभ्यर्थी को कौन सा खंड मिला है और कहाँ के अभ्यर्थी ज़्यादातर किस चीज़ को चॉइस फिल किए हैं, ये पूरी तरीके से इरिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा अपलोड कर दी गई है, जो कि बेहतर पारदर्शिता को शो करती है। क्योंकि यहाँ से सारी चीज़ आप अपलोडेड देख सकते हैं, सारे मतलब 200 अभ्यर्थियों के जितने भी कैंडिडेट थे, सारी चीज़ यहाँ पर अपलोड कर दी। दूसरी जो लिस्ट है वो काफ़ी अच्छी लगी सभी अभ्यर्थियों के लिए, और सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है वो। तो दोस्तों, अब आप यहाँ से देख सकते हैं अभी जितने जगह पर, जितने भी खंड है, चाहे आगरा, अलीगढ़, आपका अंबेडकर नगर, जहाँ पे जिस जगह पे हो, जितनी सीटें अभी रिक्त हैं वो इन सबको दे रखी है। ये दिखाने का, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे शो करने का सिर्फ ये मतलब था इरिगेशन डिपार्टमेंट का, जो कि पांडे जी ने कहा कि बहुत सारे अभ्यर्थी काफ़ी सारी चीज़ें पहले से भर के ले आ रहे हैं और वहाँ पर इनको काफ़ी दिक्कत हो रही है जब उस पर सीट अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही। सभी लोगों को, सभी अभ्यर्थियों को जिनका खंड आवंटन अभी नहीं हुआ है, उनको एक जरूरी सूचना है, जरूरी एडवाइस है कि अभी वो किसी भी खंड को अपने तरफ से ना भरे, पहले से भर के ना लाएं। हर एक दिन, जिस दिन, जैसे एटलीस्ट आप मान के चलो कि आज आपका 18 तारीख को होना है, तो 16 तारीख की लिस्ट को आपको अपडेट की जाएगी, तो उसी के अनुसार आप उसको फिल करके लाएं। अगर आपने पहले से फिल कर रखा है तो आप फिर से उसको डाउनलोड कर लें या कैफे से उसको निकलवा लें, और जितनी सीट अवेलेबल जितनी सीट अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से उसको फिल करके 5 या 6 लेके आएँ, 10 करके आएँ, नियर अबाउट आपको उतने में ही आपको चीज़ें मिल जाएगी। देखिए, सबसे ज़्यादा इसलिए राहत ये हो जाएगी कि ये प्रोसेस जो है वहाँ पे देरी ना होके जल्दी जल्दी हो जाएगी, ठीक है। दूसरी एक एडवाइस है कि सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वो लोग अपने साथ में जो इनका आधार कार्ड है, जो भी ID है, उसका एक फ़ोटोकॉपी लेके जरूर जाएँ, क्योंकि ये इसको ले भी इसको जमा करवाया जा रहा था, काफ़ी हेल्प की जा रही इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, सभी ऑफिसर्स की तरफ से, जितने भी अधिकारी हैं, स्टाफ हैं वहाँ पे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कुछ जरूरी सूचना है जो आप तक पहुँचाना बहुत जरूरी था, और लगभग मैंने जो हमसे ग्रुप से डायरेक्ट लोग जुड़े हैं उनको मैंने इन्फॉर्म कर दिया। जो नहीं जुड़े हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, पल पल की पूरी अपडेट मिलती रहेगी। अब आप बात आती है एक जरूरी सूचना जो मैंने इसमें दे रखी है। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी उन अभ्यर्थियों को, देखिए कई सारे लोगों ने हमारे ग्रुप में भी सारी पोस्ट डाली थी। इनफैक्ट देखिए, बहुत सारा दबाव है इरिगेशन डिपार्टमेंट पे, उसके बाद भी, इतने सारे प्रॉब्लम के बाद भी वो ऑन शेड्यूल आपको ऑफलाइन तरीके से कराने पर सब लोग राजी हुए और हर चीज़ें सही तरीके से हो रहे हैं। कुछ लोगों ने पोस्ट किया था कि सिंचाई विभाग के मंत्री भी इसमें शामिल थे, पोस्ट डाली, ये सब। देखिए, पहली बात तो सब चीज़ें सही रहे तो काहे कोई इसमें विघ्न डाल रहे हैं आप लोग। देखिए, इन सारे चीज़ों से आपके ऊपर विधिक कार्रवाई भी हो सकती है। मैं सख्त वो तरीके से, आप ग्रुप के अगर मेंबर हैं, आपको तुरंत बाहर किया जाएगा। अगर आपके ऊपर विधिक कार्रवाई हुई है तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो ऐसी किसी भी पोस्ट को आप शेयर ना करें जो फेक है, फर्जी है, ठीक है, वो केवल आप अपने तक सीमित रखें। दूसरी बात यह है कि ये अगर जरूरी सूचना आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, अगर क्वेरी आपकी कुछ भी और है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ लीजिएगा। आई होप कि इतने से आपकी सारी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। 250 से 300 मैसेज मुझे मिल चुके हैं कि सर इस खंड में कितने सीट बची हैं, जनरल की कितनी सीट है, ये सारी चीज़ आपका इनको सलूशन इस वीडियो में मिल जाएगा। दूसरी चीज़ है, अगर आपको ये PDF नहीं मिले तो ऑफिशियल वेबसाइट IDUP इस पर विजिट करके आप दोनों को डाउनलोड करके सारी चीज़ देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।